राशन कार्ड को लेकर आम जनता के लिए आई एक राहत भरी खबर। अब कोई भी राशन से वंचित नहीं रहेगा। राशन कार्ड के लिए इस्तेमाल होगी न्यू टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्हें राशन से वंचित रहना पड़ता था, जो घर के बाहर रहते थे, जो घर के बड़े हैं और जिनके जिनको अभी तक जो है वो राशन नहीं मिल पाता था, उन लोगों को अब राशन आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है वो राशन लेने के लिए आपको राशन कार्ड नंबर बताना था। उसके बाद जो है वो ईपीएस जो मशीन है उसमें आपका जो है नंबर फीड होता है, और जैसे ही वो नंबर फीड होता है उसके बाद आपका जो है बायोमेट्रिक का वहाँ ऑप्शन आता है, यानी कि आप अपना अंगूठा लगाएं और राशन ले जाएं। लेकिन समस्या की बात ये थी कि अगर कोई घर का बड़ा घर पे ना हो या किसी कारण से राशन लेने ना पहुंच पाए तो उनके घर को राशन कैसे मिले, यानी कि बाकी सदस्यों को राशन कैसे मिल पाए, इस बात की ये समस्या सबसे बड़ी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी सदस्य कोई भी मेंबर छोटा क्यों ना हो अब उनको भी राशन मिलेगा, यानी कि अब आपको राशन जो है वो OTP के जरिए मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का नंबर बताना है, फिर OTP का वहाँ ऑप्शन, और जैसे ही आप OTP का ऑप्शन वहां फीड करते हो उसके बाद आपको जो है वो राशन मिल जाएगा। ये अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो लोग हेड ऑफ द मेंबर है, यानी कि जो घर के बाहर रहते हैं, जिन लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है, जो राशन लेने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है और आसानी से उनके घर तक उनका राशन पहुंच पाएगा। अभी के लिए इतना ही। लद्दाख में जिसके साथ सलोन राजपूत, धन्यवाद।